हिंदू शास्त्रों में स्त्री और पुरुषों के विषय में काफी रोचक जानकारी दी गई है, जैसे कि स्त्री एवं पुरुषों के प्रकार, उसके लक्षण, स्वभाव, आदतें, चाल ढाल आदि। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शास्त्र अनुसार कितने प्रकार के पुरुष होते हैं, किस प्रकार के पुरुष की क्या विशेषता होती है, साथ ही उसके स्वभाव एवं लक्षणों की चर्चा करेंगे। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सनातन धर्म से जुड़ी नई नई वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। आइए जानते हैं कितने प्रकार के पुरुष होते हैं। शास्त्रों में पुरुषों के 6 प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1, शशक। इस जाति के पुरुष सुंदर देहधारी, हाथ पैर कोमल, कद छोटा, धर्म परायण, वाणी पर संयम रखने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति, शीघ्र भावुक हो जाने वाले होते हैं। यह अपने जीवन साथी से ही संतुष्ट रहते हैं। ऐसे पुरुष थोड़े थोड़े अहंकारी भी होते हैं। यह स्वच्छ वस्त्र और अच्छा सात्विक भोजन पसंद करते हैं। इनके देह से सुगंध आती रहती है। नंबर 2, मृग। इस जाति के पुरुष मृग की भांति चंचल, सुंदर नयन, लंबे कद वाला, सुडोल शरीर और आकर्षक होते हैं। इन्हें भी अच्छा भोजन, सुंदर वस्त्र तथा सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग करना अच्छा लगता है। इन्हें धोखा देना या धोखा खाना पसंद नहीं। इनकी भावना काम क्रीड़ा में अधिक आनंद पाने की होती है। नंबर 3, वृषभ। इस जाति के पुरुष मृग जाति से बड़े कद काठी वाले होते हैं तथा अधिक चंचल नहीं होते। यह गंभीर रहना पसंद करते हैं। यह समाज में मिलनसार होते हैं। ऐसे पुरुष बहुस्त्रीगामी होते हैं। यह अधिक भोजन करते हैं तथा गहरी नींद में भी चौकन्ने रहते हैं और यह काम क्रीड़ा में पाप पुण्य का ध्यान नहीं रखते। नंबर 4, अश्व। अश्व जाति वाला पुरुष घोड़े जैसा लंबा, स्वस्थ, कठोर, कर्कश बोलने वाला होता है। यह निर्दयी, दयाभावहीन, कठोर स्वभाव का होता है। इनकी चाल भी घोड़े समान तेज चाल, लंबे लंबे कदम रखने वाला होता है। इनका पूरा स्वभाव घोड़े के समान होता है। ऐसे पुरुष पत्नी प्रेमिका के प्रति स्नेह भाव नहीं रखते। यह अत्यंत कामुक और दुराचारी होता है। यह अपनी मर्जी के विरुद्ध कुछ भी सहन नहीं करते। ऐसे पुरुष अपना काम निकल जाने पर दुलती मार देते हैं। इनकी देह से सदैव दुर्गंध आती रहती है। नंबर 5, सिंह। शशक के बाद पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ जाति सिंह की आती है। जैसा नाम वैसा स्वभाव। ऊंचा लंबा कद, पतली कमर, स्वस्थ चौड़ी छाती, गंभीर सुंदर नेत्रों वाला पराक्रमी एवं न्यायप्रिय होता है। अत्यंत साहसी होने के साथ साथ ऐसे पुरुष अकेले रहना पसंद करते हैं। नारियों के प्रति इनकी कोई विशेष रुचि नहीं होती। इनमें अहंकार अत्यधिक होता है। यह अपना विरोध सहन नहीं कर सकते, इसी कारण यह प्रेम भाव, रति आदि के भाव से दूर रहते हैं। नंबर 6, मारजार। मारजार यानी जंगली बिल्ला। इस जाति के पुरुष महाहिंसक, रक्त वर्ण लिए बड़ी बड़ी आंखों वाला होता है। यह बिल्ले की भांति फुर्तीला और घात लगाकर हिंसक आक्रमण करने वाला होता है। इसमें काम को भाव कम होता है, परंतु जब जागृत होता है तब हिंसक रूप ले लेता है। मध्यम कद और मजबूत कद काठी वाले ऐसे पुरुष बेहद चालाक और खतरनाक होते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित यह 6 प्रकार के पुरुषों में से आप किस प्रकार के पुरुष हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हो सनातन धर्म।